हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। एविजन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एज प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। और एज प्रॉब्लम का बेसिकली आज जो होगा वो कंप्लीट एज प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम लोग रेशियो मेथड के ऊपर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। क्योंकि रेशियो मेथड जो होता है उससे आप क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बना सकते हो। इसलिए अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए एज प्रॉब्लम, और वो भी हम लोग रेशियो मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एज प्रॉब्लम की हम लोग जब भी बात करते हैं तो एज प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है वो जनरली किसी का भी एज प्रेजेंट में दिया हुआ रह सकता है और पास्ट में पूछ सकता है। किसी का भी एज पास्ट में दिया हुआ है, फ्यूचर में पूछा। तो यहाँ पे आपको तीन बातें याद रखना है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ए एक पर्सन है जिसका प्रेजेंट एज को हम लोग हमेशा ए जीरो से डिनोट करेंगे। उसी इंसान का पास्ट में, या तो लेट्स से कि अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में वो ए प्लस से डिनोट होगा। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो ए माइनस में डिनोट होगा। तो यहाँ पे इन टोटल आपको ये तीन चीज समझ में आ गया, प्रेजेंट में ए जीरो, फ्यूचर में ए प्लस से डिनोट होगा और पास्ट में ये माइनस से डिनोट होगा। तो पास्ट में जब क्वेश्चन लेके जाना होगा तब हम लोग हमेशा दो वर्ड को यूज करते हैं। कितना भी आप क्वेश्चन उठा के देख लो एज प्रॉब्लम का, तो एज प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि हमारा जो पास्ट वाला क्वेश्चन रहता है उसमें या तो आपको एगो रहेगा या तो रहेगा बिफोर, 5 ईयर बिफोर, 10 ईयर बिफोर, 10 ईयर एगो, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। मतलब आपको समझ लेना है कि वो पास्ट में किसी का एज को डिनोट करना चाह रहा है। दूसरा चीज हो सकता है किसी का आपको फ्यूचर में एज पूछ सकता है, जहां पे हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर, या तो कहेंगे हैंस। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ए का जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर है। मान के चलिए ए का जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर है। अगर ए का प्रेजेंट एज 20 ईयर हो जाता है तो यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कि आफ्टर 5 ईयर या तो हैंस 5 ईयर उसका एज क्या रहेगा, तो हम लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे, यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वो 25 साल का हो जाएगा। अगर सेम चीज़ हम लोग कहे कि बिफोर 3 ईयर या तो 3 ईयर एगो, तो वहाँ पे 3 साल आपका माइनस हो जाएगा, जहाँ पे वो 17 ईयर बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये चार जो की वर्ड है उस की वर्ड के माध्यम से क्वेश्चन को बनाना है। एगो बिफोर हमेशा पास्ट में जाएगा, आफ्टर या तो हैंस वो हमेशा फ्यूचर में जाएगा। अगर आपको इतना बात समझ में आ गया है तो आप अब एलिजिबल हो एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आप एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन बना सकते हो और आप कर भी पाओगे। तो चलिए हम लोग फटाफट देर ना करते हुए क्वेश्चन में चल जाते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना सकते हो बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो सिंपल हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अखिल इज 3 times दैट ऑफ निर्मल। तो प्रेजेंट एज अखिल का जो होगा वो 3 गुना होगा निर्मल के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे अखिल है और दूसरा जो है वो निर्मल है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अखिल इज 3 times ऑफ निर्मल, मतलब अगर निर्मल 1 यूनिट होगा तो अखिल यहाँ पे 3 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 3 ईयर हेंस द एज ऑफ अखिल विल बिकम 4 ईयर मोर देन निर्मल। अच्छा, यहाँ पे ये बात, इस वाले सेंटेंस को आपको अच्छे से समझना है। 3 ईयर हेंस द एज विल बी 4 ईयर मोर देन निर्मल। अच्छा, यहाँ पे 4 ईयर का डिफरेंस है, मतलब 3 साल बाद दोनों का एज का जो डिफरेंस होगा वो 4 साल का होगा। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, 4 साल का जो डिफरेंस वाला बात है वो डिफरेंस किसी भी 2% का, किसी भी 2% का एज डिफरेंस जो होगा वो प्रेजेंट में जितना होगा उतना ही पास्ट में होगा, उतना ही फ्यूचर में होगा। मतलब अगर आज के डेट में आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो वो 10 साल पहले भी आपसे 2 साल बड़ा ही था, और अगर हम लोग 50 साल की बाद की बात करें तब भी वो 2 साल बड़ा ही रहेगा। मतलब एज डिफरेंसेस इज कॉन्स्टेंट, हमेशा एज डिफरेंसेस कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे कह रहा था कि 4 साल बड़ा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट,
तो जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, मैंने अभी बताया। तो दो यूनिट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 साल, दो यूनिट बराबर क्या लिख लेंगे 4 साल। तो यहां पे पूछा क्या गया है हम लोगों को, पूछा गया है अखिल का क्या एज होगा। तो अखिल कितना यूनिट है, यहां पे अखिल है मेरा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना, अगर 2 यूनिट आपका 4 साल के बराबर तो 3 यूनिट आपका हो जाएगा कितना 6 साल के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 साल हो जाएगा। तो इतने ही आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, क्वेश्चन को बना भी सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ काव्या एंड लक्ष्मी, तो काव्या है के से डिनोट कर लेते हैं और लक्ष्मी है, लक्ष्मी को हम लोग एल से डिनोट कर लेते हैं। दोनों के बीच जो एज रेशियो है यहाँ पे वो 7 और 6 है, दोनों के बीच एज जो रेशियो है वो 7 और 6 है। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद उन्हीं लोगों का एज जो होगा वो 8 और 9 होगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे रेशियो की बात होती है तो किसी भी पर्सन का आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्सन का जो एज रेशियो होगा वो चाहे पास्ट में चला जाए या फ्यूचर में चला जाए, ये जो गैप होगा ये गैप हमेशा बराबर होगा। मतलब इसका अगर 2 यूनिट बढ़ेगा तो इसका भी 2 यूनिट बढ़ना ही चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एज जो बढ़ता है वो हर एक पर्सन के केस में सेम बढ़ता है। मतलब अगर आज के डेट में किसी का 5 साल बढ़ जाएगा तो उसका भाई का भी 5 साल बढ़ेगा। तो यहाँ पे गैप जो है हम लोग देख पा रहे हैं 2 यूनिट है, यहाँ पे भी 2 यूनिट है, इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये जो 2 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है वो आपका 8 साल को डिनोट करता है। ये 2 यूनिट जो है वो आपको 8 साल डिनोट करता है। क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, देयर एज आफ्टर 8 ईयर विल बी 8:9, तो काव्या का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो काव्या का प्रेजेंट एज यहाँ पे कितना है 6 यूनिट, तो हम लोग यहाँ से 6 यूनिट निकाल देंगे। तो 6 यूनिट यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और ये वाला जो रेशियो था वो तो प्रेजेंट में ही था, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। यहाँ पे काव्या जो हो जाए 24 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन भी देख पा रहे 24 है, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करें सबके सब। यहाँ पे क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट प्रिया इज 2x सारिका एज। अच्छा, यहाँ पे प्रिया है, एक जो है वो प्रिया है और दूसरा जो है वो सारिका है। क्या कह रहा है, प्रिया इज 2x द सारिका एज, तो मतलब अगर सारिका एक होगा तो प्रिया यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगी। सिंपल सिंपल बात है, अगर प्रिया यहाँ पे 2 यूनिट है तो सारिका 1 यूनिट है। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 ईयर हेंस द रेस्पेक्टिव रेशियो, 8 ईयर हेंस रेस्पेक्टिव रेशियो क्या हो जाएगा, 22 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट की बात है, इसलिए हम लोग 0 से डिनोट कर दिए, और जब ये 8 साल बाद की बात है तो +8 में डिनोट कर दिए, जो कि है 22 और 13। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझने वाली बात है, 2:1 था और ये 8 साल बाद मेरा कितना हो गया, 8 साल बाद 22:13 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि ये जो गैप है 2 और 22 और 1 और 13, ये गैप इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे इक्वल है, 2 से बड़ा है 20, 1 से बड़ा है 12, मतलब इक्वल नहीं है। इस चीज़ को हम लोग इक्वल कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को इक्वल बनाने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो 22 और 13 के बीच डिफरेंस है वो 9 डिफरेंस है, उस 9 डिफरेंस से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 और 13 में जो डिफरेंस है वहाँ पे आपको ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर जो आपका है उसको नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर मेरा कितना है 2 और 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। तो चाहे आप 1 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा मेरा 9। 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे पुराना रेशियो का काम आपका ख़त्म हो जाता है। मतलब पुराना रेशियो से आप क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। 18 से 22 हो गया तो 4 यूनिट बढ़ गया,
9 से 13 हो गया, 4 यूनिट बढ़ गया। तो 4 यूनिट बराबर हम लोग कितना कह सकते हैं, 4 यूनिट हो जाएगा कितने के बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 8 साल बाद, मतलब 8 ईयर। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द सारिका प्रेजेंटेज, सारिका का प्रेजेंटेज कितना, 9 यूनिट है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 4 यूनिट अगर 8 साल है तो 9 यूनिट, 4 दुना 8 तो 9 दुना हो जाएगा 18, तो 18 साल आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से रेशियो का माध्यम से, रेशियो का यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सबके सब। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ एक्स एंड वाई 3 ईयर एगो वाज 4:9। 3 साल पहले एक्स और वाई के बीच, चलिए एक्स और वाई के बीच 3 साल पहले रेशियो जो मेरा था वो 4:9 था। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 4:9 था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 साल बाद, इस 2 साल बाद मतलब क्या, एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2, इस समय दोनों का एज क्या बन रहा है, मेरा रेशियो जो है वो 2x बन जा रहा है। किसके कंपैरिजन में कौन 2x है, वाई एज विल बिकम 2x द एक्स एज, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे और इसमें दोनों के बीच डिफरेंस कितना यूनिट का है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने यूनिट का है। तो यूनिट का अगर बात करेंगे हम लोग बाद में बात करेंगे, एज डिफरेंसेस कितना साल है, एज डिफरेंसेस यहाँ पे 5 ईयर का है, क्योंकि वो -3 में था, 3 साल पहले की बात थी, और अब जो है वो 2 साल बाद की बात हो रहा है, तो टोटल गैप जो है वो 5 साल का टोटल गैप है। अच्छा, यहाँ पे क्या यूनिट गैप सेम है, 4 और 3, 9 और 2 नहीं है, तो यूनिट गैप को हम लोग क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए थे, वैसे सेम रूल फॉलो करके। तो मल्टीप्लाई किससे, यहाँ पे एक डिफरेंस एक जाएगा ऊपर, ऊपर डिफरेंस 5 आएगा नीचे, तो मल्टीप्लाई हम लोग फटाफट जैसे ही कर देंगे, एक से तो मल्टीप्लाई आपको करने की कभी जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेम रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई तो 5 और ये हो गया 10। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर रेशियो को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो पुराना रेशियो को आप काट दीजिए। तो 4 से बढ़ के कितना हो गया मेरा, 5 हो गया, 9 से बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, एक यूनिट जो है वो बढ़ चुका है, और यही एक यूनिट जो होगा वो 5 साल को डिनोट करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच गैप यूनिट के हिसाब से 1 और ईयर के हिसाब से 5 साल है, तो एक यूनिट बराबर 5 साल। क्या पूछा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या डिफरेंस दोनों का रहा होगा। मैंने बताया आपको डिफरेंस जो होता है, एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप कहीं से भी गैप निकाल दो, या तो आप चाहो तो यहाँ से गैप निकाल दो, या तो आप चाहो तो यहाँ से गैप निकाल सकते हो, दोनों ही केस में सेम आएगा। तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट जो हो जाएगा वो 25 ईयर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 25 ईयर, 5 यूनिट बराबर 20, क्योंकि डिफरेंस जो है या तो गैप जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं, गैप जो है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। तो 1 यूनिट 5 साल, 5 यूनिट 25 साल के बराबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग इसी लॉजिक के ऊपर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है, अशोक इज थ्री ईयर एल्डर देन भालू। तो यहाँ पे अशोक है, ठीक है, यहाँ पे मेरा अशोक है और भालू है, और कौन है यहाँ पे, जसवंत है। तो अशोक जो है वो 3 साल बड़ा है भालू के कंपैरिजन में। हु इज, मतलब भालू के बारे में बात हो रहा है, अब भालू के बारे में बात हो रहा है, भालू जो कि 4 गुना है जसवंत से। तो चलिए जसवंत से शुरू करो, जसवंत को मान लेते हैं कि 1 होगा, अगर जसवंत मेरा 1 हो जाएगा तो भालू यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भालू हो जाएगा 4। बाद में हम लोग इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या डिफाइन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी गिवन होगा।
जसवंत इज नाउ 6 ईयर, मतलब एक यूनिट जो है वो 6 साल को डिनोट करता है, एक यूनिट जो है वो 6 साल को डिनोट करता है। तो हम लोग 4 यूनिट को क्या कह सकते हैं, 24 साल कह सकते हैं। अगर 3 साल वो एल्डर होगा तो वो हो जाएगा मेरा 27 साल, मतलब यहाँ पे अशोक जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द अशोक एज व्हेन जसवंत वाज बॉर्न, मतलब जसवंत जब बॉर्न हुआ, मतलब वो जब पैदा हुआ तब उसका एज 0 रहा होगा, पैदा होने के बाद 0 एज। तो जब वो 0 था, मतलब 6 साल घटाना, तो इसका भी आप 6 साल घटा दीजिए, तो 27 माइनस 6 तो कितना हो गया 21 साल। तो 21 साल हो जाएगा जसवंत का एज जब अशोक पैदा हुआ था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ एल्डर चाइल्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे 5 चिल्ड्रन है जो कि पैदा हुआ है, तो बोर्न हुआ है 3 साल के इंटरवल में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 3 साल के अगर इंटरवल में ये लोग पैदा हुआ है, तो 50 जो है वो किसी भी 3 साल का डिफरेंस में सम होगा। मतलब मान लीजिए x अगर x माइनस 6 होगा तो दूसरा x माइनस 3 होगा, तीसरा x हो जाएगा, एक होगा x प्लस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 6। आप पीछे से जैसे इस चीज़ को लेट करते हो ना, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जब इसको आप जोड़ोगे तो ये जो एक्स्ट्रा है x माइनस 6, x माइनस 3 और x प्लस 3 और x प्लस 6 ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 5x। और इसी 5x को हम लोग क्या कह सकते हैं, 50। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया है, एल्डर सबसे बड़ा वाला का कितना एज होगा, तो एल्डर का कितना है x प्लस 6, तो हमें यहाँ पे x प्लस 6 निकालना है, तो 10 प्लस 6 मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जय प्रेम, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जय प्रेम एंड सरन इज 93 ईयर, 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज 2 3 4, 10 साल पहले इन लोगों का जो रेशियो था 10 ईयर एगो वो 2:3:4 था। तो जो सम होगा, देखिए 2 3 4 यहाँ पे सम जो होगा वो 9 यूनिट होगा, लेकिन ये कब की बात है, ये 9 यूनिट जो आया सम वो 10 साल पहले की बात है, और यहाँ पे जो 93 सम दिया हुआ है ये प्रेजेंट में है। तो 10 साल पहले तीनों लोगों का जो होगा 30 माइनस कर देंगे हम लोग, 10 साल पहले तीनों लोगों का कितना माइनस कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक का 10 साल घटेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना लोग है, टोटल 3 लोग है, तो 30 साल घट के ये 63 बन जाएगा। तो 9 यूनिट बराबर 63, तो एक यूनिट जो मेरा हो जाएगा, एक यूनिट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 63/9, तो 7 हो जाएगा, 7 ईयर। तो एक यूनिट बराबर 7 ईयर। क्या पूछा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सारा, सारा का कितना है, सारा मतलब सारन, यहाँ पे सारन जो है वो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 28 साल, लेकिन ये 28 साल हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो ये 4 यूनिट रेशियो दिया हुआ है, 10 ईयर एगो की बात किया गया है, तो यहाँ पे 10 ईयर एगो में अगर 28 होगा तो एट प्रेजेंट हम लोग 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो 4 यूनिट था ना, ये 4 यूनिट आपका 10 साल पहले की बात थी, तो 10 साल पहले अगर वो 28 था तो एट प्रेजेंट वो 10 जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर आपका कितना हो जाएगा, 38। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 38 हो जाएगा। क्लियर सबको, वेरी गुड। तो चलिए यहीं पे हम लोग अपना सेशन को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो सही लगा है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।